हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। आज हम बनाने वाले हैं लाइव ढोकला। उसके लिए हमने चार छोटी कटोरी राइस फ्लोर ले लिया है। राइस को हमने मिक्सी में दरदरा पीस लिया था। अब हम उसमें तीन कटोरी बेसन ऐड कर देंगे। हमने जो कटोरी से राइस फ्लोर ऐड किया था वही सेम कटोरी यूज़ करेंगे बेसन के लिए। फिर हम दोनों फ्लोर को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। बाद में हमने खट्टे दही में थोड़ा पानी ऐड करके उसको ब्लेंड कर लिया है और हमने हमारे फ्लोर में उसको ऐड कर लिया है। उसको अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे। हमें उसको अच्छे से मिक्स करना है ताकि उसमें कोई लम्स ना रह जाए। बाद में हम उसमें एक गिलास गुनगुना पानी ऐड करके मिक्स कर लेंगे। जब अच्छे से मिक्स हो जाए उसमें हम स्वाद अनुसार नमक और पिंच ऑफ सोडा ऐड कर देंगे। उसको हम कवर करके 5-6 घंटे के लिए फर्मेंट होने के लिए रख देंगे। अब हमारा बैटर अच्छे से फूल के रेडी हो गया है। उसको हम मिक्स कर लेंगे। फिर हम इडली स्टैंड में पानी ऐड करके उसको गर्म होने के लिए फ्लेम पर रख देंगे। तब तक हम बैटर में आधा चम्मच हल्दी पाउडर ऐड कर देंगे। बाद में हम एक कटोरी में गुनगुना पानी लेंगे, उसमें एक चम्मच ऑयल और आधा चम्मच सोडा ऐड करके उसको मिक्स कर लेंगे और हमारे बैटर में ऐड कर देंगे और बैटर को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। बैटर अच्छे से मिक्स हो जाए फिर हमने इडली स्टैंड में जो थाली रखी थी उसमें हम हमारा बैटर ऐड करके थोड़ा सा लाल मिर्च पाउडर ऐड कर देंगे। 10 मिनट तक हम उसको स्टीम होने के लिए रख देंगे। अब हमारी रेसिपी रेडी है। उसको हम तेल एंड लहसुन की चटनी के साथ सर्व करेंगे। अगर आपको हमारी ये रेसिपी पसंद आए तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।